नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाई जंक्शन ब्रिज के पास समाज सेविका रिदा रशीद पहुंचकर उनके साथ वाई ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हुई घटना को याद करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वाई जंक्शन के पास में जो बना हुआ नया ब्रिज है, वहाँ पर आइए। क्या मसला है जो आज आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैं ये ब्रिज पे आज आई हूँ, लेकिन आप लोग को सभी को पता है गए साल भी यहाँ पर मैं आई थी। यही दिन था, 13 तारीख था, 13 नवंबर, और समय भी यही था जिसपे हम लोग सब लोग यहाँ पर प्रोग्राम था, ये ब्रिज का ओपनिंग था, तब हम लोग आए थे यहाँ पर सभी लोग। और सभी दावत पे ही थे, सभी पार्टी के लोग थे, सभी लोग आने वाले थे करके हम लोग सभी यहाँ जमा हुए थे। आप लोग को पता है एक हादसा हुआ था मेरे साथ। हादसा मेरे लिए तो बहुत दुखित था। क्या एक आदमी, एक आमदार, अपना कोई गुस्सा या अपना वो एटीट्यूड या अपना वो रुबाब करते हुए जा रहा था और मैं सामने से आ रही थी, जब उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़ के मुझे धकेल दिया था। ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के सामने था वो वीडियो और सभी के सामने आया था वो। उसी के बाद FIR हुआ था जो 354 था, क्योंकि मेरा विनय भंग हुआ था। उस पर बहुत सारी बातें हुई। सुप्रिया ताई ने, इतनी बड़ी नेता है हमारी सुप्रिया ताई, उन्होंने तब बोल दिया था इतने सेकंड में विनय भंग कैसे होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी टिप्पणियाँ आई थी, जिसमें से ये टिप्पणी तो मुझे सुप्रिया ताई का अच्छे से याद है। तो बस आज आई थी ये ब्रिज के पास और कोई दिन याद करने के लिए, और बस इतना है। वो 354 करने के बाद किस तरीके से जुल्म हुआ मेरे साथ, किस तरीके से मैं अकेली नहीं, एक बदला लेने के लिए यहाँ के आमदार किस लेवल तक उतरे, यहाँ के NCP के कार्यकर्ता, NCP के नेता किस नीचे गिरे। मतलब राजनीति में भी एक लेवल है, बहनों के लिए तो एक लेवल बांधा हुआ है, क्या वो लेवल नहीं गिरते, परिवार तक नहीं जाते। लेकिन मुमरा ने तो हिस्ट्री में नाम लिखवाया है, मुमरा के राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने, जो अवार्ड के कार्यकर्ता लोग हैं, मुझे नहीं बदनाम करने की कोशिश की, मेरे घर तक पहुँचे। आप लोग को पता है छठ पूजा था, छठ पूजा में बहुत सारे इन लोग के कार्यकर्ता, इनके नेताओं का आना जाना था, हम करेंगे हम करेंगे। उस टाइम पे मेरी बेटी का एक झूठे FIR में नाम लिया गया, उससे बस नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे पे, जिस दिन मैंने 354 किया रात को, मतलब आज 13 तारीख है, जो 14 तारीख और 13 तारीख के रात को हुआ, 14 तारीख को मेरे पे भी एट्रोसिटी डालवाया इन्होंने। वो भी झूठा निकला। मतलब देखिए अन्याय, और इनको जो बदला का भावना कितना था, उसके बाद एट्रोसिटी से कुछ नहीं हुआ, एट्रोसिटी भी झूठा निकला। तो इन्होंने और एक प्लान किया, दिसंबर 22 तारीख को एक वीडियो आता है रात के 1:30 बजे मेरे पास, यूनुस केबल वाला जो नगर सेवक बनना चाहते हैं, अपने घर से भी अपनी बच्ची को भी नगर सेविका बनाना चाहते हैं, इसी ब्रिज पे मिले थे उस दिन रात को। वो 22 दिसंबर को एक वीडियो डालते हैं, यूनुस केबल वाला और रफीक खान, एक फेसबुक पे उनका भी अकाउंट है, उन्होंने वीडियो डाला कि कुछ बच्चियां बोल रही है, कुछ औरतें बोल रही है कि मैंने उनसे गलत करवाया वगैरह। मैंने उसी टाइम कॉल किया जो मुझे करना चाहिए था। दूसरे दिन मुझे पता चलता है क्या मेरे पे पीटा और पोस्को का केस डाला गया है, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी हुई, हाई कोर्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ। हाई कोर्ट में तो ये लोग झूठे ठहरे, लड़कियां झूठी, लड़कियां का जात झूठा, लड़कियां के आधार कार्ड झूठे। अल्लाह देख रहा है, सच्चाई की जीत होती है। ये मेरा, मतलब मैंने अनुभव किया है, मैंने सच्चाई देखी है। मैडम, अगर हाई कोर्ट का निर्णय आया कि उन पे कंप्लेंट किया, FIR लिया जाए, जो उन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने ये पूरा माइंड
बनाया था कि किस तरीके से मुझे फंसाया जाए। उसमें रौनक जिम चलाती है, साहिस्ता जो अपना एक ऑफिस लेके बैठी है, और उसमें और एक नाम है शबाना जो एनजीओ चलाती है, बहुत हेल्पिंग वाला एनजीओ चलाती है महिलाओं का। ये लोग ने सब प्लान किया करके पीटा पोस्को डाला, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सभी मेरी बहनों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। 4 दिन 8 दिन पहले वो बी समरी भी नीचे के इठाना कोर्ट से मेरे एक्सेप्ट हुआ, और जो भी केस था वो झूठा गिना गया। तो इस तरीके से और एक केस डालने का भी कोशिश की, 400 BC का 15 लोगों से एप्लीकेशन करवाया, क्या मैंने महाड़ा का पैसा खाया करके लोगों से झूठा एप्लीकेशन करवाया। जब पुलिस ने उसमें जांच की तो पता चला वो एप्लीकेशन करवाने वालों ने बोला हमको कुछ नहीं मालूम, हमको बोला गया था हमको ये मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन पे साइन करना है, उसमें आपका नाम है। पुलिस को उन्होंने दिया, उसमें भी साहिस्ता का नाम आया है कि ये सब प्लान हुआ था। बस मुझे इतना ही है, मुझे मेरे कानून पे यकीन था, मुझे पुलिस पे बहुत भरोसा था, जो मेरे को इंसाफ दिलाया उन्होंने। ये झूठे केसेस को इन्होंने जिस तरीके से पुलिस ने डील किया, और थाने पुलिस का बहुत बहुत आभार मानूंगी क्या उन्होंने मेरे को इंसाफ दिलाया। मैडम मेरे आपके बारे में तो कहा जा रहा है मैडम कि आपने प्लानिंग किया था। मेरा नहीं, मेरा और एक मेरा खत्म होने दो, फिर जवाब दूंगी। उसके बाद बी समरी हो गई, एट्रोसिटी हो गया, जो भी केसेस लगाए थे ये सब झूठे निकले। आज मेरा ये रिक्वेस्ट था पुलिस से और थाने पुलिस से, मेरा 354 का चार्जशीट गया नहीं है, मेरे साथ जो विनय भंग हुआ है, जो मेरे इज्जत पे आया है, उसके लिए भी मुझे न्याय दिलाए और जल्द से जल्द चार्जशीट डाला जाए, क्योंकि मुझे उसका भी न्याय मिले। वो भी मेरे साथ हुआ है, इसी ब्रिज पे हुआ है। देखिए औरत लोग लड़ती है और लड़ना चाहिए, और मेरा एक मैसेज ही जा रहा है लोगों में और मुमरा में कि किस तरीके से जो जो मेरे साथ हुआ, और एक औरत जब न्याय मांगने जाती है तो उस तरीके से किस तरीके से वो औरत पे हमला करते हैं, ये एनसीपी वाले जो मुमरा के जितेंद्र अवार्ड के जो लोग हैं किस तरीके से हमला करते, किस तरीके से हमला करते आए हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये सब मामला झूठे निकले, इसलिए मैं इस ब्रिज पर आई थी, और वही आज रिक्वेस्ट है थाने पुलिस से जल्द चार्जशीट डाले, मुझे न्याय दिलाए। एक साल इसको कंप्लीट हो चुका है, एक साल होने के बाद क्या नाम देंगे आप? देखिए मेरे को तो मैसेजेस आते हैं क्या नियर बाय 354 ब्रिज। देखिए ये आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज है, लेकिन एक औरत को पूछिए जिसके साथ हुआ है, समाज में बहुत गलत तरीके से ये लोग ने फैलाया था, मेरे पे बहुत गलत गलत अंजाम लगाया था, लेकिन बोलते हैं ना हार के आगे जीत है, तो शुक्र है कि आज इन लोगों की हार हुई है और ये हारे हैं, और मुझे यकीन है मेरे कानून पे भी और न्यायालय पे भी क्या मुझे ये जो केस किया है मैंने और ये जो मेरे साथ हुआ है ये ब्रिज पे, उस पर भी मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन मैडम आप पे भी आरोप लगता है कि आपने भी साजिश की थी कुछ नेताओं के साथ मिलकर, और ये भी कहा गया कि एक जनप्रतिनिधि एक MLA अपनी आवाम के सामने जहाँ उसका नाम खराब होने का खतरा हो वहाँ वो ऐसी हरकत क्यों करेगा सबके सामने? उसकी मैंने पहले ही लाइन में बोला वो इसलिए हरकत करेगा क्योंकि वो ईगो प्रॉब्लम, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम, उसको जो हुआ था मैंने भी सुना था। देखिए मैं कैजुअली सबके पीछे पीछे चलते आ रही थी, और जो उनको लगा कि नहीं मेरा जो पावर है एक औरत पे निकालूं मैं, उस तरीके से उन्होंने किया और बस किया, और बस अल्लाह की दुआ थी कि वो वीडियो आ गया। प्लानिंग तो वो करते हैं, प्लानिंग करने की आदत उनको है, हमें नहीं है, और हमें प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारे साथ हमारा अल्लाह और हमारा भगवान है। मैडम इतने झूठे एलिगेशन लगने के बाद आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है? बस अभी बी समरी आया है, मैंने जैसे कहा मेरा 354 का केस का अभी चार्जशीट बाकी है, और जैसे अच्छा हुआ आपने मुझे पूछा भी, क्या जल्द से जल्द अभी जो ये मेरे पे जो प्लानिंग करके केस बनवाया था, मैं सच चाहती हूँ सभी सामने आए, जितने नाम गिनाए इनके पीछे वाले चेहरे भी सामने आए, इन्होंने जो प्लान किया था, एक ऑडियो भी मैंने दिया है, जो ऑडियो में बताया बोला जा रहा है थाना जाना है, साहब के ऑफिस में जाना है, साहब कौन है, पैसा किसने लगाया, कौन है ये सब, पैसा क्यों कमाने का मौका दे रहा था ये औरतों को। तो प्लीज़ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी थाने पुलिस से
हक है, इस पर भी कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई कराने के लिए अगर मेरे को इनको आंदोलन बताना होगा कि झूठे के लिए जब आप आंदोलन करते हो जिसमें आप हार जाते हो, एक सच्चाई के लिए आंदोलन भी आप देखते रहते हो।